फायदा जो राशन है भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य के उपर समाज के उन्होंने गणमन परिवारों वालों और उन्होंने जरूरतमंद परिवारों वालों जोड़े किसी कारण बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। ये पुण्य कर्म है जिसन कोई मौका मिलता उसको जरूर करना चाहिए। वह समाज में एक ही आह्वान है कि ऐसे सेवा के कार्य जोड़े है वो निरंतर समाज के उन्होंने वास्ते जरूर चलते रहने चाहिए ने जोड़े अज किसी भी कारण दर्द के ने दुख के ने। हर जैन परिवार ही नहीं, हर एक परिवार, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी संघ का हो, ऐसे नेक कार्यों में अपने अपने संघों के साथ जुड़कर और ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद करते रहे। हेलो नमस्ते, सत श्रीकाल आप दोस्तों, मैं तेरा दोस्त हरदीप दुआ, तुम देख रहे हो लुधियाना लाइव। दोस्तों समाज सूची लुधियाना के भगवान महावीर सेवा सुसायटी वालों हर महीने तरह इस महीने भी तुम दसदा कि 66 परिवारों जोड़ा वै राशन वितरण किया गया। तो आप साढ़े गलकल मौजूद है कि राकेश जी, आओ गल करते हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। की कहना चाहोगे इस महीने के राशन वितरण बारे? इस महीने जो राशन वितरण हैगा वै, जबकि अज 84 मंथ हो गए ने, 7 साल कंप्लीट हो गए ने। अज का जो राशन है भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य के उपर समाज के उन्होंने गणमन परिवारों वालों और उन्होंने जरूरतमंद परिवारों वालों जोड़े किसी कारण बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आज का जो सहयोग हैगा वै श्री विजय जी, नीरू जी, इस मंदीर जी, विनय जी, शिवाली जी, किरण जी, उन्होंने परिवार वालों, तिना परिवारों वालों ये जोड़े है अज 69 तीन परिवार अच्छ प्लस होने 66 से 69 परिवारों अज मासिक राशन जोड़ा है वै वो दिता जा रहा है वै। एक कोई एहसान का कार्य नहीं है, असी कहीए कि कोई असी इन्होंने परिवार से एहसान किया है वै। ये पुण्य कर्म है जिसन कोई मौका मिलता उसको जरूर करना चाहिए वै। समाज में एक ही आह्वान है कि ऐसे सेवा के कार्य जोड़े है वो निरंतर समाज के उन्होंने वास्ते जरूर चलते रहने चाहिए ने जोड़े अज किसी भी कारण दर्द के ने दुख के ने उन्होंने छोटी जी एक मदद की लड़ हैगी। असी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर रहे, असी कही कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन जी महिला शाखा है जिन्हों वालों अज ये कार्यक्रम है, महिला शाखा बहुत सारे उपराले कर रही है। इस ही परिवारों के बच्चों की एडोपशन एजुकेशन वास्ते की जाती है, मेडिकल हैल्प वास्ते है, पर्यावरण वास्ते है, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय है वह मिल के बहुत सारे काम जोड़े है, उपकरण जोड़े ने टूल किट्स वगैरह जी है दी जा रही ने। समाज जोड़ा है वह बुद्धिजीवी समाज है, बहुत सारे समाजिक कार्य जोड़े है इन्हों के अंतर्गत हो रहे हैं। समाज में एक ही आह्वान है कि इन कार्यों आन के अपना पुण्य का उपार्जन कर और सुकून हासिल कर। मैं तो राकेश जी का और मतलब शादी का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। तो साढ़े भी सबू यही होंगे है कि अभी वो तो लोगों की सेवा की जा सके। की कहना चाहोगे राशन वितरण वाले? मैं विनोद देवी जैन मंत्री ये कहना चाहूँगी, जो ये नेक कार्य हम महिला शाखा कर रहे हैं, अगर इस नेक कार्य में हर परिवार की महिला जुड़ जाए और हर परिवार इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दे, तो शायद हम सोचेंगे कि हमारे समाज के अंदर नहीं, हमारे पूरे देश के अंदर ही जरूरतमंद लोग हैं, वो हमारी संस्था को भी अच्छी तरह से पहचानेंगे और हमारी संस्था के साथ जुड़कर वो भी अपने जीवन में नेक काम कर पाएंगे। हमारे गुरु कहते हैं कि हम दान लेते हैं तो हमें कुछ देना भी सीखना चाहिए, तो हम कुछ लेंगे तो हम कुछ देना भी सीखेंगे। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, सिर्फ लेना ही सीखेंगे, तो हम हमारे जीवन को नहीं सुधार पाएंगे। तो बहुत सी बार हम इन लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ करो। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगी हमारी आवाज़ सब तक पहुँचे, हर जैन परिवार ही नहीं, हर एक परिवार, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी संघ का हो, ऐसे नेक कार्यों में अपने अपने संघों के साथ जुड़कर और ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद करते रहे। ठीक है, ये मदद बहुत छोटी होती है, हम इसको मदद भी नहीं कहना चाहते, हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये परिवार भी सब हमारे बराबर बने, ताकि आगे आने वाले जन्मों में हमारा इनका साथ रहे तो सहधार्मिक साथ बना रहे। ओमरम। मैं रमा जैन, मैं आज यही कहना चाहूँगी कि हमारा आज का जो राशन वितरण है ये हमारी भगवान महावीर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी है, और हमारे साथ कुछ डोनर परिवार जुड़े हैं, तीन जिन्होंने आज जो राशन दिया है, हम उनका बहुत बहुत उनके अनुमोदना करते हैं, उनके आभार व्यक्त करते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि ये जो काम है जरूरतमंदों की सेवा का, ये सबको करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जैन धर्म में तो इसका विशेष स्थान है,
कि आप जितने भी सक्षम हो, जितना दे सकते हो किसी के दूसरे के लिए ज़रूर करो उसकी ज़रूरत के अनुसार। हम ये नहीं कहते कि इस राशन से इनका महीना चलता होगा या इनका पेट भरता होगा, फिर भी चाहे एक टाइम की सही वो खा के तो सोएंगे ना कम से कम। एटलीस्ट अगर थोड़ा 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 सारे दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं सबसे यही कहती हूँ कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो ताकि हम इन परिवारों की हेल्प कर सकें। सो दोस्तों से आस करते हैं साढ़ा तो प्रोग्राम बहुत ही वाइया लगेगा। लुधियाना के पेड़ लाइक करो, सबसक्राइब करो, प्रोग्राम वाइया लगे सो प्लीज शेयर जू करो। सो कैमरा परसन संजय के नाल हरदीप दुआ दो इजाजत, धनवाद, जुड़े रहो लुधियाना लाइव।